नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में बहुत बहुत स्वागत है। मिक्स वेजिटेबल सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और जब भी हम कभी शादी या पार्टी में जाते हैं तो वहाँ की मिक्स वेजिटेबल का बिल्कुल टेस्ट अलग होता है। तो चलो आज घर पर ही बनाते हैं मिक्स वेजिटेबल, जिसका टेस्ट बिल्कुल हलवाइयों जैसा है और घर में मौजूद सामान से ही इसे हम बहुत आराम से बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगेंगे और आप पूरे परिवार को बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्जी खिला सकते हैं। इसके लिए मैंने लाल शिमला मिर्च ली है आधी, एक बड़ी लाल मिर्च कटी हुई, गाजर, गोभी, आलू और बेबी कॉर्न लिए हैं और फ्रेंच बीन्स लिए हैं, हरी शिमला मिर्च ली है। आप भी जो चाहे सब्जियों का इस्तेमाल उसके अंदर कर सकते हैं। ये सारी सब्जियां मैंने अच्छी तरह से धोकर छीलकर काट ली हैं और इनके बारीक बारीक क्यूब्स बना लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल गरम करेंगे। ऑयल चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं या सरसों के तेल में, दोनों में सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम आलू जो मैंने दो लिए हैं मीडियम साइज़ के और गाजर जो मैंने दो लिए हैं इनको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तब हम बाकी की सब्जियाँ इसमें ऐड करेंगे। आलू और गाजर थोड़े से ज़्यादा हार्ड होते हैं, कच्चे होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें सबसे पहले डालेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, आलू और गाजर फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें बेबी कॉर्न डाल देंगे, फ्रेंच बीन्स डाल देंगे और फूल गोभी भी डाल देंगे। सब्जियां सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। 4-5 मिनट तक हमें सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसे हम पूरी, पराठे, फुलके, किसी भी चीज़ के साथ परिवार को सर्व कर सकते हैं। इससे हम सब्जियां भी बच्चों को खिला सकते हैं और एक अच्छा टेस्ट भी उन्हें दे सकते हैं। देखिए सारी सब्जियां अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, 5 मिनट का टाइम लगाए। अब हम सारी सब्जियों को वापस किसी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और जो ऑयल बचा हुआ है उसी के अंदर हम सब्जी को तड़का लगाएंगे। इस सब्जी की खास बात यह है कि इस सब्जी को मैंने बिल्कुल बिना प्याज और लहसुन के तैयार किया है, उसके बावजूद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के लगभग ऑयल और डालेंगे। अब हम इसमें 3-4 काली मिर्च डाल देंगे, 1-2 लौंग डाल देंगे और 2 तेज पत्ते डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून के लगभग जीरा डाल देंगे। जब जीरा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा हम इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें जो बीच में से लंबी लंबी काट ली थी वो ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये 2 बड़ी हरी मिर्च थी, साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 मोटी वाली लाल मिर्च होती है, उससे इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा, वो भी मैंने इसमें मोटा मोटा काट के ऐड कर दिया है। 3 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी, अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डाल देंगे, 1 टेबल स्पून के लगभग हम धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर इन सब्जियों, सूखी सब्जियों के अंदर ज़्यादा डाला जाता है, इससे ये डाइजेस्टिबल भी हो जाती है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें देगी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, पूरी तरह ऑप्शनल है, बस सब्जी का कलर बहुत सुंदर और लाल लाल आ जाता है, जैसा कि हलवाइयों की। जब टमाटर के पेस्ट के अंदर से ऑयल निकलने लगेगा इसका मतलब सब्जी अच्छी तरह से जो है तड़का तैयार हो चुका है। हम इसे चाहे तो ढककर 5 मिनट तक के लिए पका भी सकते हैं, इससे ऑयल थोड़ा जल्दी रिलीज़ हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा तड़का बिल्कुल लाल लाल रंग का हलवाइयों जैसा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसके अंदर वो सब्जियां डाल देंगे जो हमने तली नहीं थी, क्योंकि उन सब्जियों को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसके लिए इसमें 1 कप मटर डाल दिए और आधी लाल शिमला मिर्च और आधी हरी शिमला मिर्च जो मैंने काट कर रखी थी वो ऐड कर दी है। मटर आप चाहें तो फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह सब चीज़ों को अच्छी तरह मिलाने के बाद हम बाकी की सब्जियां जो है 2 मिनट बाद वो भी ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। देखिए कितनी जल्दी बन जाने वाली सब्जी है और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। सारी सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स कर देने के बाद अब हम इसके अंदर टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। सारे मसाले और सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे और हमारी सब्जी बनकर तैयार है। इसमें सब्जियों का क्रंच भी बना रहेगा, ये ज़्यादा गलेंगी भी नहीं और देखने में बहुत सुंदर कलर भी आएगा, क्योंकि इसमें हमने सारी सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाया है तो इनका अपना अपना कलर एज इट इज़ है। बस अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डाल देंगे,
जो हलवाई डालते हैं, जिससे सारे टेस्ट बैलेंस हो जाते हैं। और वो क्या चीज़ है? वो है 1/2 टीस्पून चीनी। हाँ जी, इस सब्ज़ी के अंदर हल्की सी आप चीनी डालकर देखिए, चीनी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन मसाले बहुत परफेक्ट और बैलेंस लगेंगे। खट्टा टेस्ट भी आएगा, मसालेदार चटपटी सब्जी बनी है। साथ में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून के लगभग गरम मसाला और कटा हुआ बारीक हरा धनिया, और सारी सब्जी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हमारी बहुत ही अच्छी मिक्स वेजिटेबल हलवाइयों जैसी सब्जी बनकर तैयार है। इस सब्जी को आप सुबह की जल्दबाजी में या कभी भी ब्रेकफास्ट में या डिनर में जब आप चाहें इसे तैयार कर सकते हैं। परिवार को बहुत पसंद आने वाली है और सब आपसे ये भी पूछेंगे कि आज ये सब्जी का टेस्ट बिल्कुल अलग तरह से है। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार है। कोई भी सब्जी बिल्कुल भी घुली नहीं है, दैट मीन्स उसमें हल्का सा क्रंच अभी भी मौजूद है, जैसा कि हलवाई वाली सब्जी में होता है। साथ में टेस्ट भी बिल्कुल शादियों जैसी सब्जी का ही आया है। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें। मैं बहुत सारी वीडियोज़ डालती हूँ, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।